लगातार तेज बारिश के चलते सीहोर में निचली बस्तियों में 4-4 फीट पानी बाहर आ गया है। जानकारी के अनुसार 24 घंटे में 7 इंच बारिश हो चुकी है। जिले की प्रमुख नदियां पार्वती, कोलास, सीवन नदी खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है। नदी नाले सारे उफान पर हैं, जिसके चलते 100 से अधिक गांव का शहर से संपर्क टूट चुका है। शहर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में पानी घुसने से लोग काफ़ी परेशान हैं। वहीं इछावर तहसील के अंदर एक गर्भवती महिला को खाट पर बैठाकर खतरे के बीच पुल पार कराकर इछावर हॉस्पिटल पहुँचाया गया। जिला प्रशासन भी रात भर से अलर्ट पर रहा और जगह जगह पॉइंट लगाकर लोगों को पुल पुलिया पार करने से रोकता रहा। कई जगह लोगों के फंस जाने पर उनका रेस्क्यू भी किया गया, जो रात भर जारी रहा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कई इलाकों में भारी वर्षा होने के कारण बाढ़ ने अपना कहर बरसाया हुआ है, जिसके चलते आपदा प्रबंधन की आपदा बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई थी। बैठक के बाद शिवराज ने प्रदेश की जनता को संबोधित कर संदेश भी दिया। आइए आपको भी सुनाते हैं कि शिवराज ने क्या कहा। आगे झरनों का पानी बढ़ गया तो लोग फंस जाते हैं और रेस्क्यू करने में फिर बड़ी कठिनाई होती है। मेरी प्रार्थना है ऐसे स्थानों पर जाने से बचें, आप सुरक्षित रहें, हर संभव प्रबंध कर लिए गए हैं, लेकिन आपकी सावधानी भी जरूरी है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सीएम हाउस में भगवान गणेश को विराजित किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने अपनी धर्म पत्नी और बेटे के साथ में भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। भाजपा के ग्वालियर में होने जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता ग्वालियर में सदस्यता अभियान कार्यक्रम में एक साथ शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की ओर से विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यह दोहरा मापदंड है, इस तरह के आयोजनों से कोरोना का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ेगा। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस कार्यालय पर छावनी बना दी और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर गिरफ्तार भी कर लिया। विधानसभा उपचुनाव के पहले बदनावर विधानसभा में दल बदल जोरों पर है। इसी के तहत शुक्रवार को उद्योग मंत्री के दौरे के दौरान ग्राम ढोलाना में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ व जनपद पंचायत सदस्य संजय मुकाती समेत 206 लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उद्योग मंत्री दत्तीगांव, पूर्व विधायक खेमराज पाटीदार, मंडी बोर्ड के पूर्व डायरेक्टर राजेश अग्रवाल, भाजपा जिला महामंत्री मनोज सोमानी आदि सभी लोगों ने मिलकर भाजपा का दुपट्टा पहनकर भाजपा का स्वागत किया। कसरावत तहसील क्षेत्र के ग्राम मगरखेड़ी में एक सब्जी विक्रेता अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान बैठा, जब उसके यहाँ पर मौजूद एक टमाटर में उसे भगवान गणेश की प्रतिमा नजर आने लगी, जिसके बाद भगवान गणेश की आरती कर भगवान को लड्डू का भोग भी लगाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पराज सिंह नाम। क्या काम करते हैं आप? मैं सब्जी बेचता हूँ। भगवान गणेश जी टमाटर में आपको कब मिले? हमको रात में सपना आया कि हमारे यहाँ गणेश जी प्रकट हुए, तो हमने सुबह जब मंडी से कैरेट मंगाया तो उसमें खोला, देखा हमको गणेश जी मिले छात हमको, और हमारी भाग्य है हमने सब्जी सुपान यहाँ लगाया हुआ, आज गणपति का दिन है तो हमको गणेश जी मिले। आपने फिर पूजा पाठ करके स्थापना करी उनकी? पूजा पाठ करके हमने संजू भैया हमारे सुरेश काबू जी है ये सबका सहयोग से हमने यहाँ इनको प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। और कसरावत तहसील से शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट। इंदौर शहर जो हाल ही में चौथी बार सफाई में नंबर वन आया था, वह पिछले 24 घंटों में बरसात में भी नंबर वन आ गया। इंदौर में पिछले 39 साल का रिकॉर्ड टूटा।
24 घंटे में हुई 10.3 इंच बारिश। इंदौर शहर के कई इलाके बाढ़ से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सड़कों पर लबालब पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों में भी पानी भर चुका है। पानी के कारण सड़कें पूरी तरह से बंद है। इंदौर शहरवासियों का घर में रहना और घर से निकलना दोनों मुश्किल में आ गया है। खरगोन जिले के कसरावत तहसील के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज को पत्र लिखा है, जिसमें कम किए गए दूध के दामों को पूर्वानुसार रखने की मांग की है। साथ ही सचिन यादव ने किसानों के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करते हुए लिखा कि कोविड 19 लॉकडाउन की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से ठीक नहीं है। इसके बाद अब सरकार के इस किसान विरोधी निर्णय से किसान आर्थिक रूप से और कमजोर हो जाएंगे, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि किसानों के सुरक्षित भविष्य के लिए उनके हित में फैसला लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर लोगों के सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी बनने का दावा करती है, लेकिन सरकार और सत्ता में आने के बाद हमेशा किसान विरोधी निर्णय और फैसले लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक हमारी जो किसान ऋण माफ़ी योजना है उस पर चुप्पी साधे हुए, उस पर अभी तक कोई कदम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं उठाया। हमारा जो किसान साथी है जो पहले से ही लॉकडाउन के कारण आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ है, उसको एक बार फिर कमज़ोर करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो दूध उत्पादक किसान साथी हैं उनका लगभग 4 रुपये तक जो है प्रति लीटर उनका भाव कम करने का काम किया है। इससे निश्चित रूप से हमारे दूध उत्पादक किसान साथी हतोत्साहित होंगे और निश्चित रूप से जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये मांग करते हैं कि अपने निर्णय को, इस फैसले को बदलें और हमारे मध्य प्रदेश के जो दूध उत्पादक किसान साथी हैं उनके मंशा और उनकी भावनाओं के अनुरूप सरकार काम करें और इस निर्णय और फैसले को तुरंत वापस लेने का काम करें। कसरावत से शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट। ग्वालियर में भव्य रूप से भाजपा सदस्यता आयोजन करने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सम्मिलित होने जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार शाम से शहर में लगातार तेज बारिश हो रही है। वहीं मां अहिल्या की नगरी तराना में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, तो किसानों के चेहरे पर खुशी भी दिखाई दे रही है। 2 दिन से हुई बारिश से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। नगर में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण चौराहों पर पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अत्यधिक बारिश की चेतावनी को लेकर नगर के प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार डी के वर्मा, थाना प्रभारी संजय मंडलोई की टीम नगर में जलभराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेज दी है। साथ ही जनहानि ना हो इसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला सतर्क नजर आ रहा है। तराना से अर्पित बोडाना की रिपोर्ट। सर, आज जैसे ही पानी की बारिश शुरू हुई और प्रशासन पहले से सतर्क हो गया सर, इसका कुछ इसके बारे में बोलेंगे सर? कल मौसम विभाग के द्वारा ये बताया गया था कि अत्यधिक वर्षा होने की गुंजाइश है, इसलिए डी साहब ने नगर परिषद और हम सभी जन सुबह से घूम रहे हैं, वो जहाँ जहाँ पे पानी का भरा हुआ है उसकी निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं। सर, अभी कहीं से भी शिकायत आई है सर पानी भराव की? हमारे आदरणीय SDM साहब ने बताया था कि अपन सब जने मिल के करते हैं, उनके निर्देशानुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अभी कहीं की पुलिया या पुल पे पानी आया सर? भाई ये हाल अपनी जो है इस पर पानी है, इसके ऊपर पानी भरा हुआ है, रास्ता बंद है, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने जो है उसको अपने जवान लगा दिए हैं तो लोगों को रोक सके तो पानी कर। सर, प्रशासन सुबह से ही लग गए अपने काम पे। हाँ जी, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कर रहे हैं अपना अपना। ठीक है।
हाल ही में पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आत्महत्या के केस बढ़ गए हैं, पूरे प्रदेश में विकास कार्य रुक गया है और मोदी सरकार में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है उतनी पिछले 40 सालों में नहीं बढ़ी थी। देखिए माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी संगठन को लेकर पहले से अलर्ट है और आज 27 को ही नहीं विगत 3 महीने से ब्लॉक मंडल सेक्टर बूथ स्तर पर मॉनिटरिंग आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं और पूरी तरीके से चुनाव मैदान में आने के लिए हमारा संगठन आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में तैयार है और उन्हीं की रिव्यू मीटिंग हमेशा माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं और हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता और ख़ास करके जनता अभी भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। देखिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सरकार कानून बनाती है और सरकारी अपने निहित स्वार्थों के लिए उस कानून को तोड़ने का काम कर रही है। जहां मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया है कि संडे लॉकडाउन रहेगा, उस समय में सिंधिया जी आकर सरकार के नियम को तोड़ रहे, लॉकडाउन को तोड़ रहे, जनता को कोरोना जैसी बीमारी की ओर झोंक रहे, इतना बड़ा पाप सिंधिया जी आके कर रहे हैं। यह दो बड़े अपने आप को टाइगर की बात करते हैं और पूरी तरीके से मेमने साबित हो रहे हैं। ये 50,000 का आंकड़ा मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित का आ रहा है और ऐसे समय में जनता को इस बीमारी के तरफ झोंकने का अगर कोई कुकृत्य कर रहा है तो सिंधिया जी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जनता के स्वास्थ्य के साथ इतने ये नेता खिलवाड़ नहीं करेंगे और अपना दौरा स्थगित करेंगे और कोरोना के नियमों का सरकार के जो लॉकडाउन है उसका पालन करेंगे। हमारे जो जमा पूंजी थी मध्यम वर्ग की, जो परिवार को गरीब मध्यम वर्ग पालन पोषण का जो पैसा था वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। सारी घोषणाएं मोदी जी की और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जुमला साबित हो रही है। ऐसे समय में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर हमारे आम आदमी को कंगाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आर्थिक नीति में पूरी तरह विफल सरकार किसी तरह से आशा रखना बेमानी हो गई है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे विषम परिस्थितियों में पूरी प्रदेश में जनता परेशान है और आने वाले उपचुनाव में इसका परिणाम जनता देने के लिए तैयार है। आने वाले उपचुनाव में इस महंगाई की मार के कारण, इस भ्रष्टाचार की मार के कारण, इस कोरोना जैसी महामारी की प्रदेश सरकार की असफलता के कारण बीजेपी का उपचुनाव में जाना तय है और कांग्रेस का उपचुनाव में कांग्रेस की सरकार आना तय है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ज़्यादा कार्यकर्ता को हमारे गिरफ्तार किया गया है और ये बात करते थे कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान की, जितने इनके सदस्य नहीं बनेंगे उससे ज़्यादा तो इनके विरोध में हमारे लोगों ने गिरफ्तारी दी है और कल रात से ही उनके पिताजियों को उठाना शुरू कर दिया था। ये तो आपातकाल जैसी स्थिति कर दी है। ये छल कपट और मक्कारी षड्यंत्र के तहत सत्ता हथियाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। अंडर करेंट पूरे कांग्रेस के पक्ष में है। आम जनता को ये बुरा लग गया है कि इन्होंने 1.5 साल में ये किस मुंह से वोट मांगने जनता के बीच में आ रहे, इन्होंने कौन सा तीर मार लिया। 1.5 साल इन्होंने जनता को चेहरा नहीं दिखाया, आम जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। अपने स्वार्थ की खातिर इन्होंने सरकार गिराई
उसका जनता जवाब देने के लिए आतुर है और इसलिए बार बार उपचुनाव आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से घबराए हैं। और ये मिसकाल का सदस्यता अभियान इन्होंने पहले भी चलाया था, क्या असर हुआ इनके मिसकाल का सदस्यता अभियान का? छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार गई, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार गई, राजस्थान में इनकी सरकार गई, पंजाब में इनकी सरकार गई, तो ये फर्जी सदस्यता अभियान अभी देखने को मिल रहा है। चुनाव आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी जनता करेगी, क्योंकि महंगाई की मार जनता झेल रही है, भ्रष्टाचार की मार जनता झेल रही है, इनके कुप्रशासन की मार जनता झेल रही है, और आने वाले समय में सिंधिया जी को इसका जवाब जनता देने के लिए आतुर है, जो आज गिरफ्तारी से आपको दिखाई दे रहा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का इंतजार करते करते कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर थक गए और थकान के कारण प्रद्युमन सिंह कार्यकर्ताओं की कुर्सियों के सामने जमीन पर ही बैठ गए। कार्यक्रम शुरू होने में 2 घंटे की देरी रही, जिसके चलते यह नजारा देखने को मिला। इंदौर वार्ड क्रमांक 73 के पार्षद सादिक खान और उनका स्टाफ उनके वार्ड में लोगों की मदद करने में जुट चुका है। जहां लोग बाग बारिश के चलते बहुत परेशान हैं, वहीं पार्षद समेत नगर निगम उन लोगों की मदद करने में लगा हुआ है। ज़रूरतमंद लोगों को खाने की व्यवस्था भी कराई गई है व लगातार कोशिश की जा रही है कि उन्हें सारी सुविधाएँ दी जाएँ। मेरी टीम सुबह से 5 बजे से लगी हुई है और पूरी टीम लगभग काम करने में लगी हुई है। जो लोग घरों में बंद हो गए थे, उनके घरों में से उनको निकाल के दूसरी जगह शिफ्टिंग का काम चालू कर दिया हमने। अभी खाने की व्यवस्था करना है उनके लिए। उनके घरों में जो पानी भराया था, अचानक आई विपता से ये ड्रेनेज लाइन के जरिए जो पानी है रोडों पे भराया, उसके जरिए ड्रेनेज के जरिए उनके घरों में जो पानी गया, उससे उनके घरों के अंदर भारी तादाद में पानी भर गया है। हमने एक ही कोशिश करी है कि उनको घर से निकाल के अभी सेफ्टी की तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है उनको। कुछ जगह जो पानी निकालने के लिए हमने व्यवस्था नगर निगम से जेसीबी लेके चेंबर खुलवा के, बड़े चेंबर से खुलवा के उनको पानी की निकासी चालू कर दी है। लगभग पूरे वार्ड में अभी सामान्य स्थिति हो रही है, धीरे धीरे पानी सब दूर से उतारना चालू हो गया है। लगभग कौन कौन सी कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है? नूरी कॉलोनी में पानी भरा है, टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर पानी भरा गया है, बाबू घनश्यामदास नगर के अंदर पानी भराया हुआ है, ट्रांसपोर्ट नगर की आदर्श गली के अंदर जो है वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे वाला हिस्सा है उसमें पानी भरा हुआ है। लगभग अब कोशिश यह है कि सेफी कॉलोनी से भी हमने पानी उतारने की कोशिश कर दी है। लगभग सभी दूर से पानी उतारने की कोशिश जारी है। बड़े बड़े जो चेंबर थे उनको हमने हटा दिया है और उस पर एक आदमी बिठा दिया है कि कोई उसमें गिरे नहीं, और उससे पानी की निकासी चालू हो गई है। आपका परिचय? सादिक खान, पार्षद पूर्व वार्ड 73। इंदौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में भारी वर्षा के कारण कई जिलों में हाई अलर्ट दे दिया गया। कई गांवों में बाढ़ के कारण लोगों को कई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देवास जिले के सोनकत से काफी हृदय विदारक दृश्य सामने आया, जहां पर पानी से अपनी जान बचाने के लिए जंगल में खड़ी हुई गाय भैंस नदी में बहती हुई नजर आई। लाचार पशु पानी के तेज बहाव के सामने असहाय नजर आए। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। यूं ही बाढ़ का पानी कई इलाकों में कहर बरसा रहा है। वहीं राजगढ़ में उफान पर आ रही नदी को देख 2 युवक शर्त लगाकर उफनती नदी में कूद गए, जिसमें से एक युवक करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर निकला, तो वहीं दूसरे की तलाश अभी तक जारी है। मध्य प्रदेश जहां कुछ समय पहले तक इलाकों में बारिश के लिए पूजा पाठ टोने टोटके किए जा रहे थे, वहीं मात्र 24 घंटों में प्रदेश में ऐसी बारिश देखने को मिली है कि कई इलाकों में भारी बाढ़ आ गई। कई जिले हाई अलर्ट पर चढ़ा दिए गए। जगह जगह बाढ़ पीड़ितों के लिए रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। ऐसा ही नज़ारा पलिया से भी देखने को मिला, जहां रहवासी बारिश के कारण खुश तो थे, बाकी बाढ़ से हुए नुकसान के कारण मायूस भी नजर आए। भारी वर्षा जहां एक तरफ प्रदेश में हाहाकार मचा रही है, वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश के बीच भी उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ,
जहां कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय भी सांवेर पहुंचे थे। ओबीसी वर्ग ने 65% आरक्षण दिए जाने की मांग की है, जिसके चलते ओबीसी नेता मुख्यमंत्री से मिलने लक्ष्मीबाई समाधि के मुख्य द्वार पर पहुंचे थे, जिसके चलते पुलिस और ओबीसी नेताओं के बीच झूमा झटकी हुई, जिससे नाराज हो गुस्साए नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। देवास में लगातार भारी बारिश के चलते आसपास के नदी नाले उफान पर हैं। देवास से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम चंदाना के नाले में एक रिट्स कार बह गई, जिसमें 2 लोग सवार थे, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। जानकारी के मुताबिक कार में सवार दोनों व्यक्तियों ने शराब पी रखी थी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने तेज बहाव में गाड़ी डालने को मना किया था, लेकिन दोनों व्यक्ति नहीं माने। बहाव तेज होने के कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो पानी के साथ बह गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तलाश में जुट गई है। सर बताएं क्या किस तरह का घटनाक्रम घटित हुआ है? एक चंदाना ग्राम में एक रपटा है, जो बारिश में थोड़ा इसमें पानी इसके ऊपर से आ रहा था। इसी बीच में ये मेंढकी के ओम प्रकाश पटेल और उनका योगेश, दोनों जीजा साला हैं, ये लोग कुछ ड्रिंक किए हुए थे और अपनी अल्टो गाड़ी से जबरदस्ती यहाँ से निकलने का प्रयास किया। इनको रोकने की कोशिश भी की, लोगों के द्वारा मना किया, परंतु ये नहीं माने और जबरदस्ती इन्होंने पानी में एक कार डाल दी, जो तेज बहाव में बह गई है। अभी पुलिस की टीम कार को और दोनों व्यक्तियों को इसमें नाले के पानी में सर्च करने का प्रयास कर रही है। अभी तक मतलब किसी चीज़ की तलाशी में कुछ मिल नहीं पाया? अभी मिल नहीं पाया है, पानी का थोड़ा बहाव तेज है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बीच में रस्सा पार्टी के माध्यम से कोशिश करी है, आगे तक देखा है और हम लोग अभी नाव भी खुलवा रहे हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग प्रयास करेंगे। सर क्या मानते हैं पूरे जिले भर में यही समस्या है, आने वाले समय में देखने को मिलेगी, क्या अवेयरनेस आएगी इस केस को लेकर? नहीं, इसमें निश्चित रूप से लोगों को अवेयर तो रहना ही चाहिए। जहाँ भी पानी बहता है हुआ ऐसा कहीं हो, वहाँ रपटे वगैरह से पार करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और हम लोग भी लोगों को लगातार इसको समझाइश दे रहे हैं कि इस प्रकार से व्यवस्थित पानी में न उतरें। जी सर, मतलब बताएं क्या हादसा हुआ और केस कौन युवक थे? मेंढकी के योगेश पटेल करके थे, पड़ोस में ही हमारे गांव है, वो दोनों आए थे, हैं उनके जीजा जी साथ थे, योगेश जी पटेल साहब के। गांव के कुछ 4-5 लोग खड़े थे, उन्होंने उनको समझाइश भी दी है, नाले में पानी बहुत तेज है, गाड़ी नहीं निकल पाएगी। उसके बावजूद भी वो नहीं माने और उन्होंने गाड़ी नाला क्रॉस करने की प्रयास किया, तो वो नाले में गाड़ी उसकी वजह से बह गई। इस नाले में थोड़ी सी ये दिक्कत है, ये जो रपटा बना हुआ है, ये बीच में जाके घेरा बना है पुराने ज़माने का, इसका थोड़ा सा ये मांग है कि ये थोड़ा ऊंचा भी बने, इससे कम से कम 10-12 गांव वालों को परेशानी भी बहुत आती है निकलने में। पानी थोड़ा सा भी आता तो ये पुलिया पे रास्ता तुरंत बंद हो जाता है। क्या मानते हैं कितने घंटे हो चुके हैं और युवकों का अभी तक पता नहीं चला है? करीब 4-5 घंटे हो चुके हैं, ढूंढने की कोशिश पूरी जारी है, रेस्क्यू टीम भी यहाँ आ गई है, प्रशासन पूरा लगा हुआ है, ढूंढने की कोशिश जारी है। अभी 3-4 घंटों का अभी तक मिला नहीं है कुछ भी। क्या नाम है आपका? पवन सिंह पवान, सरपंच संघ अध्यक्ष देवा ब्लॉक। बताएं मैडम क्या घटनाक्रम क्या घटित हुआ बारिश को लेकर? ये चंदाना का छोटी पुलिया है, जहाँ पे 2 लोग ओम प्रकाश पटेल और योगेश कुमावत जो थे मेंढकी चक्कर रहने वाले हैं, तो ये दोनों लोहारी जा रहे थे रिट्स कार से, तो लोगों द्वारा इनको मना किया गया, परंतु ग्रामीणों ने अपने बयान में बताया कि इन्होंने पी रखी थी और मना करने के बावजूद भी इन्होंने गाड़ी पुलिया से पार करी और बीच में जब गाड़ी डगमगाई तो उन्होंने गाड़ी की कांच खोल दी, जिससे पानी भरने से गाड़ी डूब गई। कुछ इसमें पता चला जी कहाँ तक गाड़ी? नहीं, होमगार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, अभी उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक मैम। के चलते लगातार भारी बारिश के चलते देवास शहर और देवास के जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी आसपास जल जमाव हो गया। और ये हम देवास शहर से मात्र 4 या 5 किलोमीटर दूर ये चंदाना है, चंदाना का जो ये पुल है वहाँ पे देखिए लगातार जो पानी का बहाव बढ़े जा रहा है। और यहाँ पे हाल ही में अभी एक गाड़ी के बह जाने की सूचना है, रीड्स कार थी और जिसमें लगभग 2 या 3 लोग सवार थे। मतलब मौके पे जो लोगों से बातचीत की उनके मुताबिक उन्होंने बताया भी से उन्होंने खूब मना किया कि भाई पानी ज़्यादा है पुल पर, गाड़ी मत निकालिए, लेकिन शायद उन लोगों ने कुछ नशा वगैरह कर रखा था और जिसके चलते उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और उन्होंने गाड़ी इस पुल के ऊपर डाल दी, जिसके बावजूद यह हुआ कि गाड़ी रुकने के बाद उन्होंने गाड़ी के कांच खोल दिए और कांच खोल देने के बाद पुल पर जो पानी बह रहा है वो पानी गाड़ी के अंदर आ गया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया गाड़ी का और गाड़ी इस नाले में जा बही।
अभी तक यहाँ पर जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम पहुँच चुकी है, पुलिस का अमला पहुँच चुका है, लेकिन अभी तक गाड़ी का कहीं अता पता नहीं चल पाया है। और प्रशासन पूरे अपने दल बल के साथ यहाँ पर लगा हुआ है। वो देखिए, मैं बताना चाहूँगा किस तरह से पानी का तेज बहाव चल रहा है। और यह लगभग अमूमन यह स्थिति संपूर्ण देवास शहर के साथ साथ पूरे ज़िले में जो भी ग्रामीण इलाके, लगभग सभी जगह से यही सूचना आ रही है कि लगातार 24 घंटे की जो भारी बारिश चल रही है उसके सभी जगह जल जमाव हो गया और कई जगह से इस तरह की अप्रिय घटना की भी जानकारी आ रही है।